Hi guys, welcome to Unacademy. Welcome to the YouTube channel Let's Crack JEE. Today हमारे मैथ्स के कोर्स में हम अगला लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम फंक्शंस चैप्टर की सॉल्विंग कर रहे हैं. ओके, पिछले लेक्चर में तुम्हें याद होगा वी डिस्कस थ्योरी ऑफ फंक्शंस, है ना. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, आई एम क्षितिज बंसल. आई एम करंटली फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट IIT Delhi. Guys, do join my Telegram channel for special tests, quizzes, mock tests, and you know, we'll also have some personal guidance sessions there. Okay? Is it recording fine? Yeah, it is. So, guys, my JEE Advanced 2019 rank was 153, VT was 23, Board was 96.4. BITSAT score was 430 on 450. I am a KVPY scholar and I cleared Physics Olympiad 2. Okay, so that's all about me. And guys, जिन्होंने अभी तक Unacademy का app download नहीं किया है, Play Store पे जाओ, do download this Unacademy learning app. यहाँ पे तुम्हें मेरे सारे video lectures and other videos सब मिलेंगे. And जितने other educators हैं इस app पे, उन सबके भी तुम सारे lectures देख पाओगे. And also, app का interface काफी अच्छा है, so you should have a look. तो guys, मुझसे ना काफी students पूछते हैं कि Unacademy Plus subscription में हमें क्या-क्या मिलेगा. So let me just share that with you once. We have daily live classes going on. तो मतलब जैसे school में होता था कि by chance कभी teacher present नहीं है, तो तुम उस दिन पढ़ नहीं पाते थे. ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. वी ऑलवेज हैव लाइव क्लासेज गोइंग, क्योंकि काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं. अगर बाय चांस किसी एक दिन कोई एक एजुकेटर नहीं भी ले रहा क्लास, देर विल बी अ लॉट ऑफ अदर एजुकेटर्स टेकिंग क्लासेज, राइट. एंड वी हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. तो गाइस, तुम लोग देखोगे कि तुम पढ़ रहे हो वीडियो में, अचानक से क्वेश्चन पॉपअप आएगा और उसमें ऐसे चार या पाँच ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू चूज. और वहाँ पर टाइमर भी होगा, तो टाइमर एंड होते ही तुम्हें लीडर बोर्ड आएगा कि कितने बच्चों ने कौन सा आंसर मार्क किया एंड तुम्हारा सही था कि गलत था, ठीक है. तो लाइक पढ़ते पढ़ते इंटरेक्टिव भी हो गया वो साथ ही, तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है तुम सॉल्व कर रहे हो, है ना. एंड स्पेसिफिक अलग से लाइक कोर्स नहीं, मतलब क्लासेस होंगे जिसमें सिर्फ क्विजेज होंगे, राइट. तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़. लर्निंग तो मतलब टेस्टिंग से ही इनहांस होती है ना. ओके, एंड वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हेयर. तो यार, जैसे हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग पेस होती है. कोई अगर ज़्यादा जल्दी ग्रास्प कर रहा है तो वो आगे बढ़ सकता है, उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे क्या पढ़ूँ. तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, तुम्हें पता लगेगा आगे क्या करना है. ओके, एंड गाइस, नेटफ्लिक्स तो यार तुम अभी नहीं देखते होगे, JEE आ रहा है. कोई देखता है तो मत देखो अभी, ठीक है. JEE के बाद तुम्हें कितना टाइम फ्री मिलने वाला है? 2 महीने एटलीस्ट तुम्हें कॉलेज जाने से पहले फ्री मिलेंगे. तब तुम 24 के 24 घंटे देखना, ठीक है. अभी मत देखो नेटफ्लिक्स, ठीक है. तो जैसे नेटफ्लिक्स में होता है कि एक सब्सक्रिप्शन खरीदा, उसमें सारे मूवीज, सारे टीवी शो, सब कुछ, सबको एक्सेस मिल रहा है ना. इसमें भी वैसा ही है, तुम एक सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, तुम्हें सारे एजुकेटर्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है. और ये प्लान्स हैं. मैं एडवाइस करूँगा कि 11th वाले 2 ईयर वाला प्लान ले सकते हैं, 12th वाले 1 ईयर वाला ले सकते हैं, बाकी इट्स अप टू यू. एंड यार, एक सजेशन दूंगा कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, दे एक्चुअली यू नो वर्क हार्ड टू अर्न सम मनी. हमें उनको थोड़ा जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, ठीक है. तो मतलब बेफालतू हमें उनके पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, ठीक है. तो तुम कहीं पे भी उनके अगर पैसे यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना, ठीक है. एंड तो चलो करते हैं. हाँ, एक चीज़ पॉइंट आउट कर दो यार, ये जो थोड़े 1 मंथ का 3 मंथ का जो पैक है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है ईयरली के कंपैरेटिव. तो बाकी तुम देख लेना. ओके, तो यार इसका चैप्टर फ्लो डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, उस हमने डिस्कस किया था. तो पिछले लेक्चर में हमने डिसाइड किया था हम यहाँ तक करेंगे, राइट. हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन तक कर लिया था, काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है ये. इसका बाकी का पार्ट जो है वो हम अगली थ्योरी क्लास में करेंगे. For now, in this class, we'll be doing solving on these 3 subtopics. Okay? ठीक है. तो यार rules देख लो सारे. तुम्हारी screen पे question आएगा, you'll be given approximately 1 minute or more, depending on each question. मैं question से पहले बता दूंगा, to solve it, and then I'll discuss. Okay?
एंड उस 1 मिनट में मैं भी अपने यहाँ पे लाइक आई विल यूज़ अ पेन एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट फॉर माई ओन, ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि टाइम ज़्यादा या कम तो नहीं है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके ठीक है गाइस, टाइम्स अप, हो गया सॉल्व। तो चलो करते हैं फिर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ये है हमारे पास। इसमें सबसे पहले क्या दिखता तुम्हें? एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम ये गलती मत करना कि इस एक्स माइनस 2 को ऐसे कैंसिल कर देंगे और इसको ऐसे एक्स प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। अकेला ऐसे एक्स प्लस 2 लिखना इज नॉट सफिशेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स से गलती करते हैं, बट मतलब क्या लग रहा है तुम्हें, ये और ये दोनों सेम फंक्शन है? ये तो पूरे रियल पूरे नंबर लाइन पे डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 है, एक्स जैसे 2 होगा ये 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 0, 0 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, मैथ्स है, 0 से डिवाइड नहीं होगा कभी भी, है ना। ये तो एकदम ऑब्वियस चीज़ है, ये हमेशा देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक्स प्लस 2 लिखना है, विल हैव टू राइट एक्स नॉट इक्वल टू 2 जब हम कैंसिल करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है बस 2 की, तो इसका डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल माइनस 2, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ऑल रियल वैल्यूज माइनस 2। इसमें यार ये थोड़ा नोटेशन देख लेना, जो ये माइनस 2 लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 2। कर्ली ब्रैकेट डिनोट करता है सेट को जिसमें वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे और भी वैल्यूज होती तो मैं कैसे लिखता, मान लो 4 होती 2,4,5 से, तो ये एक सेट है जिसमें ये तीनों वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो दूसरे ब्रैकेट्स होते हैं नॉर्मल पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हम डिस्कस किया हुआ है पहले, जस्ट डूइंग इट अगेन। इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है एंड पॉइंट, एंड दिस में इंक्लूडेड होता है, मतलब ये दोनों रेंजेस होती हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट जो एंड पॉइंट होता है उसको इंक्लूड करता है रेंज के अंदर, बट जो नॉर्मल ब्रैकेट है वो उसे इंक्लूड नहीं करता। वेयर एज जो कर्ली ब्रेसेस है हमारे वो यूज़ करते हैं सेट डिनोट करने के लिए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी मेरे लिए, ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, टाइम एंड्स, करते हैं सॉल्व। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या दिखता है, स्क्वायर रूट, उसके बाद मॉडुलस,
उसके बाद डिनोमिनेटर, ठीक है? तो मतलब मुझे तीन चीज़ें दिख रही हैं जो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगी, स्क्वायर रूट, मॉडुलस एंड 1/0 फॉर्म। तो मतलब जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे करना इज़ बेनिफिशियल। तुम एक बार दिखते ही क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उन्हें एक बार ऐसे लिख लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड देन स्टेप वाइज आओ कि पहले हम इसको देखेंगे फिर इसको या इसको, मतलब वो ऑर्डर चेंज कर सकते हो कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है? सो लेट से अगर मैं इसको पहले देखूँ स्क्वायर रूट को, तो हमें बस इतना समझ आ रहा है 3 - mod x / mod x - 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट हमें पता तो है कि क्या इक्वेशन, क्या हमें मतलब क्या हमें उसे रखना है कि वो पॉजिटिव रहे, मतलब कि वो ट्रू रहे, क्या इक्वेशन है जो हम चाहते हैं कि हमेशा ट्रू रहे, है ना? इसके बाद फिर हमें मॉड ओपन करना ही पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली स्टेप टू पे आ गए, खुद ही आ गए, मतलब फर्स्ट स्टेप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप टू पे आ ही गए, ठीक है? तो आई ड्रॉ नंबर लाइन 0, तो फॉर पॉजिटिव एक्स मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना? 3 - x / x - 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड फॉर नेगेटिव एक्स इट विल बी 3 + x / x + 7 विद अ नेगेटिव साइन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये सॉल्व कर सकते हो इजीली, तो बहुत ही सिंपल है। ये राइट साइड को हम देखें, जब विल राइट 3, 7 है ना, जब वो 7 से बड़ा वैल्यू तो नेगेटिव है, 3 और 7 के बीच पॉजिटिव है, 3 से छोटा नेगेटिव नेगेटिव है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए था, तो 3 - 7 आ गया। एंड दिस वाज व्हेन एक्स वॉज ग्रेटर देन 0, तो ये सब एरिया मतलब इसके इधर होना चाहिए, ठीक है? लाइक 0 से इधर राइट से टूवर्ड्स द राइट होना चाहिए, वो है, ठीक है? सो ये हमारा राइट पार्ट हो गया है। नाउ विल डू दिस लेफ्ट वन। नाउ इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, -3 और -7 पे, -7 और -3। अब इसमें क्या हो रहा है, जब -7 से छोटी वैल्यू है से -8, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, -3 से -7 में पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, हमें क्या चाहिए थी पॉजिटिव, तो -7 से -3 ये आ गया। एंड दिस वॉज फॉर x < 0, उसके लेफ्ट साइड होना चाहिए, उसके लेफ्ट ही है। ओके, तो वी आर डन विद स्क्वायर रूट, वी आर डन विद मॉड। अब देखना है 1/0 ये कब होगा, जब mod x = 7, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू +-7, ठीक है? तो ये रहा हमारा आंसर। ये दोनों रेंजेस जो हमने कैलकुलेट की थी, इसमें से +-7 हटा दो, तो कैसे डिनोट करेंगे, -7 - -3, -7 इंक्लूडेड नहीं है सो वील हैव टू यूज नॉर्मल ब्रैकेट, एंड -3 इंक्लूडेड है वील यूज स्क्वायर ब्रैकेट। यूनियन विद द रेंज 3 - 7, 3 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, 7 के साथ नॉर्मल ब्रैकेट। ओके, सो आंसर आ गया हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेन सेकेंड्स मोर,
ये तो इजी क्वेश्चन है यार, ये तो तुम काफ़ी इजीली कर लोगे, इतना सोचने वाली बात नहीं है। जो भी मैंने 3 स्टेप्स बताए थे पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही स्टेप वाइज करोगे तो बहुत इजी है। तो टाइम एंड्स करते हैं यार। तो क्या दिख रहा है इसमें मेरे को? दिख रहा है स्क्वायर रूट, मॉड और 1/0। यार ये तो सेम ही 3 वो हो गए जो पहले किए हमने। तो स्क्वायर रूट करते हैं पहले। एक्स प्लस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज फॉर स्क्वायर रूट। तो जब पॉजिटिव होगा तो दिस इज जस्ट 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू, एंड दिस इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 0 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द स्क्वायर रूट। नाउ द प्रॉब्लम कम्स विद, लाइक मॉड तो हमने खोल के देख लिया, सो स्क्वायर रूट हो गया, मॉड देख लिया, कम्स बाय 1/0। 0 नहीं होना चाहिए वैल्यू डिनोमिनेटर, दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये सारी रेंज हट गई। ओके, एंड हेयर 2x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सिंपली हमारा फाइनल आंसर क्या आया? x शुड बी ग्रेटर देन 0। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेन सेकेंड्स मोर गाइस। टाइम एंडेड गाइस, करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो टर्म्स आ गए हमारे पास, दिस प्लस दिस। इन जनरल अभी पहले हम सिंगल टर्म का देख रहे थे, तो इसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और इन दोनों की जो रेंजेस आएंगी उनका क्या करेंगे? यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन करना पड़ेगा ना, बिकॉज वो फर्स्ट को भी करना चाहिए इम्प्लाई और सेकेंड को भी करना चाहिए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। रूट एंड 1/0, रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव। तो एक्स माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट 1/0 के कारण इक्वल टू हट जाएगा, सो एक्स माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन 0, सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फॉर द सेकेंड वन प्रॉब्लम क्या आएगी? 1/0 फॉर्म, और कुछ कोई नहीं। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एज एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस टू, है ना? तो ये 0 कब होगा? प्लस माइनस टू पे। तो एक्स कांट बी इक्वल टू प्लस माइनस टू। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू है, दिस इज एन ओपन डॉट माइनस टू। अच्छा, मुझे ऐसे नहीं दिखना चाहिए, जस्ट अ मिनट। दिस इज द लाइन, सो दिस इज टू, दिस इज माइनस टू एंड दिस इज 5। तो इसका आंसर था, फर्स्ट पार्ट का ये था, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड सेकेंड पार्ट के लिए ये था। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला पार्ट। तो आंसर क्या हुआ? एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
सेकेंड पार्ट, टाइम गिवन 1 मिनट। हाँ ओके गाइस, टाइम्स अप। इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी वही, वी हैव टू टर्म्स, रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री एंड दिस लॉग टर्म। तो रूट तो तुम कर लोगे, ओरली कर सकते हो। क्या आएगा इसका? एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड दिस सेकेंड टर्म लॉग ऑफ थ्री, फाइव माइनस एक्स टू द बेस थ्री। एज मैंने पहले भी बताया था तुम्हें थ्योरी लेक्चर में, दैट लॉग एंड एक्सपोनेंशियल आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या थी? जो हमारा ये वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो लॉग की डेफिनेशन के हिसाब से। सो फाइव माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, सो एक्स शुड बी लेस देन फाइव। ओके, सो हेयर वी आर ऑन द नंबर लाइन थ्री, दिस दिस, हेयर वी आर ऑन फाइव। गाइस, पहले हमने वो लाइन वाला मेथड, लाइक इसको डिनोट लाइन से किया था विद डॉट्स। ठीक है, विद डॉट्स ऑन द सेम लेवल एज द लाइन। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं थोड़ा ये वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जिसमें फर्स्ट वी जैसे थ्री से है। सो लाइक वी ड्रॉ समथिंग लाइक अ वेज। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ये वाला एरिया सारा मिल जाए, मतलब विजुलाइज करने में ईजी लगता है मुझे। एंड फॉर दिस सेकेंड पार्ट, एक्स लेस देन फाइव, वो लेस देन है तो वहाँ पे डॉट दिख रहा है तुम्हें, फाइव पे लगा हुआ है। एंड उससे लेफ्ट वाला सारा एरिया। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों कलर्ड एरिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ फाइनल आंसर, विच इज़ 3 to 5, 3 इंक्लूडेड, 5 नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें शायद मजा आया थोड़ा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई विल गिव यू 10 सेकंड्स मोर। तो चलो करते हैं यार सॉल्व, काफी टाइम हो गया। ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार काफी। सो क्या दिख रहा है? 1/0 फॉर्म और स्क्वायर रूट। तो डायरेक्टली दोनों को इकट्ठे लिख लेंगे, क्या आएगा? ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला वैल्यू, विच इज़ मॉड ऑफ जिंट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, जिंट मॉड माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो।
ये हमारा 1/0 फॉर्म और स्क्वायर रूट दोनों को कवर कर लेगा, है ना। ठीक है, तो इसको ओपन कर रहे हैं हम, -1 > 5। तो अब हमें क्या इक्वेशन पे आ गए, मॉड, यू हैव टू सॉल्व दिस मॉड। ये कब होगा, व्हेन, मतलब टू केसेस आ गए यहाँ पे, दिस इनर वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 और दिस इनर वैल्यू इज लेस देन -5, है ना, यही होगा। तो सॉल्विंग दिस लेफ्ट पार्ट नाउ, विल ड्रॉ लाइन हेयर, दिस शुड बी ग्रेटर देन, कि हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए, है ना। तो जो मतलब एक वैल्यू उसका जेंट कर रहे हैं, वो हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो बेसिकली उसका जेंट शुड, वो एक इंटीजर होगा विच इज़ ग्रेटर देन 5, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके इनर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी हैव मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, है ना, एंड ऑन द राइट साइड हेयर वी हैव जेंट शुड बी लेस देन -5। इसका मतलब क्या होगा कि जो इनर वैल्यू है शुड बी, उसका जो जेंट है वो -5 से छोटा होना चाहिए, तो दैट वैल्यू शुड बी लेस देन -5। देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो लेफ्ट मतलब पॉजिटिव में कैसे खुला था, नेगेटिव में कैसे खुल रहा है ना। सॉरी, रिकॉर्डिंग इज ओके, या सो मॉड ऑफ एक्स लेस देन -4, ऐसा कभी होता है? मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नहीं होता ऐसा, दिस कोज। तो बस ये आ गया हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर है। इसको तुम लिख तो लोगे, कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, -∞ to -7, 7 इंक्लूडेड, यूनियन 7 to ∞। गाइस ये देख लो, मैंने अभी जैसे जल्दी जल्दी में लिख दिया था गलती से, इन्फिनिटी वॉज इंक्लूडेड, ऐसा मतलब लिखना इज़ नॉट करेक्ट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमेशा नॉट इंक्लूडेड वाले ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, तो इट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, 15 seconds, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, टाइम एंड्स। ये तो यार क्वेश्चन, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, जब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पहली बार पढ़ा था, उसके बाद मैंने भी ये गलत किया था, ठीक है, और ये मुझे हमेशा याद रहता है इसी कारण से, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम में गलत किया था। ओके, तो यार तुम कैसे करोगे, एक बार सब देख से कन्फ्यूज तो सभी हो जाते हैं एक बार, कि क्या होना चाहिए, 0.3 या 0.7 या -0.3, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो मैं प्रेफर करता हूँ, जब भी मुझे फ्रैक्शनल पार्ट दिखता है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट के लिए नहीं, एक्चुअली हर एक फंक्शन के लिए, उसकी जो बेयर मिनिमम डेफिनेशन थी उस पर आ जाओ, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या थी, x माइनस जेंट ऑफ x, है ना, तो ये तो इजी हो गया ना, -7.3, ये x लिखा, माइनस जेंट ऑफ -7.3, ये क्या होता है, -7.3 से एक छोटा इंटीजर जो कि सबसे बड़ा है, समझ रहे हो, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस दैन -7.3 कौन सा होता है, -8। -7.3 + 8 विच इज इक्वल टू 0.7, ठीक है, हो गया। तो आंसर इज बी गाइस। अब इसके लिए एक सजेशन दूंगा मैं, जैसे अभी मैंने लिख के किया है, दिस इज एक्चुअली द राइट मेथड, है ना, एकदम अच्छा है, बट अगर सोचना है तुम्हें बिना लिखे कैसे सोचेंगे, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि फंक्शंस में हमेशा ग्राफ से विजुलाइज करो, ठीक है, इसका ग्राफ हमें पता है, लुक्स लाइक दैट, तो यहाँ से देखो कैसा दिख रहा है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ये तो इजी क्वेश्चन है यार, तुम कर ही लोगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई खास प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। गाइस 20 सेकेंड्स मोर। करे चलो करते हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट तो जैसे जो पहला लॉग है दैट वो तो बहुत इजीली खोल लेंगे हम, कि लॉग हाफ लॉग एक्स टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। सो व्हाट डू वी हैव दैट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि जो हमारा बेस था दैट वॉज ग्रेटर देन 1, सिंपली वो उधर चला गया एंड टू द पार हो गया, है ना। तो नाउ देखो यहाँ पे जो बेस है, नाउ इट इज लेस देन 1। ग्राफ एक बार ग्राफ देख लो, याद करो कैसा था लॉग का, ऐसा था व्हेन बेस वॉज ग्रेटर देन 1, वरना ऐसा था, है ना, समझ रहे हो। तो अब देख रहे हो कि जब वो बड़ा था तो इट वॉज इंक्रीजिंग, बट नाउ इट इज डिक्रीजिंग, है ना। तो हमें यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसको, मतलब ग्राफ से देखें तो ऐसे उल्टा की तरह सोचेंगे कि नाउ दिस लॉग एक्स टू द बेस 3 इज लेस देन हाफ, मतलब हाफ टू द पावर 1। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते थे इसको, या फिर हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे इसको बाहर माइनस लिख के। ठीक है, तो आई प्रेफर टू राइट दिस वन अभी के लिए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस नहीं की थी अभी ज़्यादा, बट मतलब तुम्हें आती है ऑब्वियसली, 11th में तुमने की थी लास्ट ईयर, है ना। तो ये सही लिखा ना मैंने, बिल्कुल सोच पा रहे हो ना कैसे, ये 1 है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हाफ होगा। सो हमें क्या चाहिए था, क्या हुआ कि उसका लॉग जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो वो उससे छोटा होना चाहिए वैल्यू, है ना। एंड नाउ दिस इज सिंपली द फर्स्ट फर्स्ट वाले की तरह, है ना। सो नाउ एक्स शुड बी लेस देन 3 टू द पावर हाफ। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, इजी क्वेश्चन। इससे पता लगता है कि ग्राफ से सोचना इज बेनिफिशियल, तुम्हें प्रॉपर्टीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बहुत ईजी है, तो बहुत बार डिस्कस हो गया ऐसा। नाउ टाइम गिवन ओनली 35 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। गाइज जो फंक्शन चैप्टर है ना, ये काफ़ी इंटीग्रल होता है, मतलब मेरे हिसाब से सब लोग, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं। ये क्या हुआ, ओके, काफ़ी बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बट तुम्हें जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बेर जो हमारे बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसके हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि हमें उसकी नेचर पता होनी चाहिए कि वो कैसे उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, हमें उसकी फील होनी चाहिए, है ना। सिर्फ प्रॉपर्टीज रट रटा के जाने से हम अच्छा पेपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड समवन हु जस्ट क्लियर्स द एग्जाम, है ना। तो यार एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अब। तो इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है तुम्हें, डिनोमिनेटर में 1/0 फॉर्म एक और स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टराइज हो रहा है एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स माइनस 2, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशंस होगी सेटिस्फाई, मतलब ये वाली और ये वाली। तो ये कब होता है इसको, अब तुम कोई अगर ग्राफ से सोचने लग गए हो, तुम ग्राफ से अगर सोचने लग गए हो, हेयर इज 1 हेयर इज 2। ठीक है, ग्राफ कैसा दिखता है इसका, समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये नहीं चाहिए हमें, बाकी सब चाहिए। सो आंसर क्या हुआ, एक्स लेस देन वन यूनियन एक्स ग्रेटर देन टू। अब इसको तुम लिख लोगे, ठीक है। सो डन विद दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। गाइस रेंज, रेंज अभी तक हमने शायद क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, कोई भी नहीं किया। सो टाइम गिवन 1 मिनट, ट्राई टू सॉल्व इट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस 10 सेकेंड्स मोर, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, काफी कुछ सीखेंगे इस क्वेश्चन से। गाइस चलो टाइम एंड्स, करते हैं डिस्कस। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है तुम्हें, पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, कहीं पे भी एक्स की ऑड टर्म नहीं है, एक्स की ऑड पावर नहीं है, क्या है, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ इवन एक्स स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता लगता है, क्या समझ आ रहा है, कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए वैल्यू सेम होंगी। तो जो ये फंक्शन है, इसका अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट साइड में एकदम सेम होने वाला है। इट विल बी लाइक अ मिरर इमेज, कि यहाँ से उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है। ओके, तो पहला विजुअलाइजेशन था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना, एक्स इक्वल 0 के अबाउट, ठीक है। ओके, और कुछ दिख रहा है? अब तुम सॉल्व कैसे करोगे, मतलब काफी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करने लगेंगे इस फंक्शन को, ठीक है, बहुत मेहनत करेंगे। इट विल बी लाइक, दिखाता हूँ मैं करके, जैसे इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दे विल गो लाइक 2x टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन दिस। ये इतनी मेहनत करते हैं काफी बच्चे, ठीक है। और जो जिसने पेपर बनाया वो ऐसे क्वेश्चन देके बच्चों में यही डिफरेंस ला रहा है कि एक बच्चा जिसको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है, वो सीधा डिफरेंशिएट करके अपना टाइम बर्बाद करे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बट हम ये नहीं करेंगे, हमें इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन इसकी सारी देखनी है और फिर सॉल्व करना है, फिर अप्रोच करना है। जैसे पहले मैंने बताया एक्स अब इक्वल टू 0 के बाद सिमेट्रिक होगा, तुम में से कितनों ने एक्चुअली सोचा था ये चीज़ देखते ही, बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल है ना। तो मैं वही चाहता हूँ कि हम लोग इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पे हमेशा सोचें, वी नीड टू चेंज द वे वी थिंक, ठीक है। वही मेजर डिफरेंस है एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिख रहा है तुम्हें, तो सेकंड एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर थोड़ा थोड़ा तो वो लग रहा है ना, सिमिलर सा, बस एक कांस्टेंट का ही फर्क है, तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सोचने पड़ रहे हैं, कि जैसे अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं अगर एक्स को 0 डाल रहा हूँ तो इट इज 0, ठीक है। अब मुझे एक्स की एक एक वैल्यू डाल के विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है बिना पेन उठाए कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से एक जगह से एक्स स्क्वायर हटाने की कोशिश, ठीक है। तो मैं न्यूमिनेटर में एक प्लस माइनस 1 करूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस वन क्या बना है, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ना आसान, देख के इजी लग रहा है। अब तो कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक और फंक्शन जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है और सिर्फ डिनोमिनेटर डिपेंडेंट है, राइट। तो नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस फंक्शन। ये तुम्हें बहुत इजीली दिख रहा है, जो डिफरेंशिएशन सोचते हैं वो यहाँ पे सोच सकते हैं डिफरेंशिएशन से कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एकदम स्मूथ कर्व है, कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स नहीं आएंगे, कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आएंगे, राइट। तो x इक्वल जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो हमें पता है, जब x एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को टेंड करेगा तो ये टर्म नेग्लिजिबल जाएगी, है ना। तो दिस होल वैल्यू विल टेंड टू वन। तो अगर मैं यहाँ पे ये वन की वैल्यू, वन की लाइन है, सो इट विल गो लाइक दैट, वन को टेंड कर रहा है, और हमने भी डिस्कस किया था कि वो सिमेट्रिक होगा, सो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ है, अब हमें पता है कि वो जीरो टेन कर रहा है, बट वन को वो टेंड कर रहा है एग्जैक्टली, कभी टेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हुआ, रेंज मतलब ये फंक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो बेसिकली इसके ग्राफ पे जो हमारा वाई एक्सिस है, जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, उस पर इसकी वैल्यू जीरो से वन तक जा रही है, बट वन इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, जीरो टू वन, ठीक है, ये आ गई हमारी रेंज। इसमें मैं शायद एक चीज ऐसे कभी बताया नहीं होगा एग्जैक्टली, बट जैसे अभी हमने रेंज देखा, वो हमने देखा वाई एक्सिस पे, है ना। तो जो रेंज देखा हमने, हमने फंक्शन प्लॉट किया और फिर उसको वाई पे देखा। सिमिलरली द डोमेन इज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। तो जो डोमेन है वो हमें मिल जाता है एक्स पे देख के, ठीक है। बहुत ऑब्वियस है ये, बट वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट इन केस किसी को अगर ना इंट्यूशन आया हो, ठीक है। हो गया। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लॉग दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस देन फाइंड एक्स, टाइम गिवन 1 मिनट एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। करें गाइस डिस्कस, करें, चलो। तो यार देखो, ये एक इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है टू फाइंड एक्स। इसमें देखते ही सबसे पहले तुम देख रहे हो लॉग फंक्शन है, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यार एक्स का ना थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लो कहाँ से कहाँ हो सकता है। तो ये इनर फंक्शन क्या है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका लॉग है टू द बेस टू, है ना। तो जो ये वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो हमें पता लग गया कि वन और टू के वो बाहर है एक्स, ठीक है, ओके। अगर इसके बीच में होगा वहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये इसका लेफ्ट साइड फंक्शन का, लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन आ गया, है ना, आ गया। अब राइट हैंड साइड देखो, सो व्हाट डू वी हैव, मॉड एंड लॉग, है ना। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, लॉग के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बट अंदर मॉड है तो हमेशा ग्रेटर देन होगा, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ओनली प्रॉब्लम इज एक्स नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए एंड एक्स नॉट इक्वल टू टू, और ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं दोनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम एक्स की कोई भी वैल्यू लो इन दोनों रेंजेस के अंदर, तो वो सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है।
सेटिस्फाई क्यों करेंगी? मैंने इतना आसानी से कैसे बोला? लॉग की हम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुमने, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है? अब ये आधा अधूरा नॉलेज मत रखना इसके लिए, साथ में ये इम्प्लाइड होता है कि ए एंड बी आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? ये मत लिखना ए बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए इन टू बी ग्रेटर देन जीरो, ये लिखना गलत है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये टर्म और ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसके लिए ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, और यहाँ पे वो चीज़ ट्रू है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स इन दिस रेंज विच इज माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी, वन एंड टू नॉट इंक्लूडेड। ओके, we're done with this question. Let's move on to the next one. Find the range of function f satisfying this. So time given 1 minute, time starts now. Guys, 30 seconds over, 30 seconds more. Recording, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, टाइम्स अप, डिस्कस करते हैं। तो इसको क्वेश्चन को देखते क्या दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता, ठीक है? आधे बच्चे तो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के डर जाते हैं, है ना? बट हमें नहीं डरना। ओके, तो ये जो 2017 है, एक बार के लिए इसको सिर्फ मतलब इससे ताकि डर ना लगे, हमें इस वैल्यू को पी लिखूंगा, ठीक है? सो फंक्शन क्या है, पी टू द पावर एक्स प्लस p to the power f of x is equal to p, ये सॉल्व करना है हमें, where p is equal to 2017, ठीक है? तो जो ये अभी ये implicitly defined है ना, इसको हम explicitly लिख सकते हैं कैसे, p minus p to the power x is equal to p to the power f of x, log ले लो to the base p, क्या मिलेगा, f of x is equal to log base p p minus p power x, है ना? log लेते हुए only condition क्या होनी चाहिए, जो ये right hand side है, this should be greater than zero, it should not be equal to zero, ठीक है? greater than equal to नहीं है, greater than है, okay? क्योंकि log है, है ना? तो p माइनस पी टू द पावर x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, p की वैल्यू क्या थी, 2017, विच इज सर्टेनली ग्रेटर देन वन, हमें क्या चाहिए, p ग्रेटर देन p पावर x, ऐसा कब होगा, व्हेन x p पावर x का ग्राफ ऐसा होगा, तो इसके लिए क्या आया, when x is greater less than 1, तब ये true होगा, तो इसका आंसर क्या आया, minus infinity to 1, 1 not included, this is the answer, right? ठीक है, so done, let's move on to the next question. So a natural number x is chosen at random from the first 1000 natural numbers, if square bracket denotes the greatest integer function and the probability that jint of x by 2 plus jint of x by 3 plus jint of x by 5 is 31 times x by 30. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस एक बार क्वेश्चन समझा दूं। अच्छा चलो, टाइम गिवन 1 मिनट, पहले तुम ट्राई कर लो, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
गाइस 20 सेकेंड्स मोर, ये एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है. आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स मोर इसके लिए, ठीक है? ये होना चाहिए सबसे, ठीक है? मैं होप कर रहा हूँ कि सब सॉल्व करोगे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा. गाइस, तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बहुत ही कूल क्वेश्चन है. 10 सेकेंड्स मोर, लास्ट 10 सेकेंड्स. चलो ठीक है यार, करते हैं. पहले यार, जिसको मतलब नहीं समझ आया क्वेश्चन का, उसके लिए मैं मतलब बता दूं. हम एक नेचुरल नंबर चुन रहे हैं एक्स, फ्रॉम 1 to 1000. इनमें से एक नेचुरल नंबर एक्स उठाया, ठीक है? तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो. जहाँ जहाँ पे हमारी इक्वेशन है जिंट ऑफ एक्स बाय 2 प्लस जिंट ऑफ एक्स बाय 3 प्लस जिंट ऑफ एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 31/30 टाइम्स एक्स, ठीक है? तो जो प्रोबेबिलिटी वाला है, तुम इसे डरना डरना नहीं है हमें, ठीक है? कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गया. तो हमें पता है कि 1000 नेचुरल नंबर्स में से कुछ उठाए और अब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो ये तो बहुत इजी हो गया ना, कि 1000 में से हमें बेसिकली बस नंबर ऑफ एक्स काउंट करने हैं जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन बॉइल डाउन हो जाता है टू सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड फाइंडिंग द नंबर ऑफ एक्स विच लाई बिटवीन 1 एंड 1000. सो बेसिकली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस रेंज पे, इस एक्चुअली डोमेन पे, नॉट रेंज, इस डोमेन पे, ठीक है? ओके. तो यार यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि यार ये नीचे 30 कैसे आया? और नंबर्स देखो 2, 3 एंड 5. कोई आइडिया? मेरे को तो यार दिखते ही दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि 2, 3 और 5, इनका जीसीडी 30 होता है. नहीं, जीसीडी 30 होता है ना, 2, 3, 5. 2, 3 का 6, 6 और 5 का 30. तो यार एक बार ना इसको सम करके देख लेता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड वैल्यू है वो बिना जिंट के क्या बन रही है ना? एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 5 ऐड कर लेते हैं. डिनोमिनेटर 30, ये आया 15 प्लस 10 प्लस 6 टाइम्स एक्स. ये क्या आ गया यार? ये तो राइट हैंड साइड ही आ गया हमारा, 31x/30 है ना? बट वहां पे जिंट था, यहाँ पे जिंट नहीं है, समझ रहे हो? तो जब जिंट लगेगा इस टर्म पे या इस टर्म पे या इस टर्म पे, तो इससे हमें क्या मिलेगा? दैट जिंट ऑफ एक्स बाय 2 प्लस जिंट ऑफ एक्स बाय 3 प्लस जिंट ऑफ एक्स बाय 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू द राइट हैंड साइड वैल्यू, जो कि है ये. बट ये जो इक्वेशन है वो, उसकी वैल्यू क्या गिवन है? 31x/30. तो इसका मतलब दोनों इक्वल है. सो दिस एंड दिस इक्वल कब होंगे? जब जिंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जिंट से फर्क कब नहीं पड़ेगा? जब इनर वैल्यूज तीनों की तीनों ही इंटीजर्स होंगे. तो एक्स बाय 2 एक इंटीजर है, एक्स बाय 3 भी एक इंटीजर है और एक्स बाय 5 भी एक इंटीजर है. तो हमें नंबर ऑफ एक्स बताने हैं 1 से 1000 के बीच, जो कि ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इन तीनों को कौन सेटिस्फाई करेगा? जो 2 से 3 से और 5 से, तीनों से डिविजिबल होगा. तो वो नंबर्स कौन से होंगे? इसके जीसीडी के मल्टीपल्स. इसका जीसीडी क्या है? 30, देखा अभी हमने. तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 30 इन दिस रेंज आर द पॉसिबल आंसर्स, ठीक है? तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे इस रेंज में? यार सिंपल है, 1000/30 है ना? इसका जिंट कर लेंगे,
जैसे कि मतलब ये जो आएगा वो आएगा 33.33, बट हमें तो एग्जैक्ट मल्टीपल्स ये हैं जो इसके अंदर हैं, तो 33 मल्टीपल्स होंगे। ओके, तो 33 नंबर्स हैं आउट ऑफ 1000 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना? तो उसका आंसर क्या होगा? 33/1000। ओके, प्रोबेबिलिटी आ गई, क्वेश्चन डन। चलो गाइस, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 टाइम्स जेंट ऑफ x² - x + 4 टाइम्स जेंट x इज इक्वल टू 13 + 12 टाइम्स जेंट ऑफ sin x इज। टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग ठीक है ना? राइट। फिफ्टीन सेकेंड्स मोर। ओके गाइस, 1 मिनट ओवर, करते हैं सॉल्व। तो यार ये क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं तुम्हें अपना पूरा वो बताने वाला हूँ, मैंने क्या क्या सोचा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं यार, ऑनेस्टली बताओ, मेरे को डर लगा ये क्वेश्चन दिखते ही, मुझे थोड़ा सा डर लगा कि यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, साइन भी है उसका मॉड ले रहे हैं, और इधर एक क्वाड्रेटिक है उसका जिंट ले रहे हैं, साइन का मॉड नहीं सॉरी जिंट ले रहे हैं, है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा एट फर्स्ट। तो यार इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यार जो साइन फंक्शन है उसका जिंट -1, 0 या 1 होगा हमेशा। साइन हमें पता है ऐसे ऐसे हो, है ना? ये अपर वैल्यू 1, लोअर वैल्यू -1, इसके बाहर कभी नहीं जाता। तो हमें पता है कि उसका जेंट हमेशा -1, 0 या 1 ही होने वाला है। यही 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं और कोई पॉसिबल नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स से फॉर नाउ केस 1, वेयर जेंट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन क्या रह गया है इस केस में? दिस इज इक्वल टू 13 - 12, है ना, विच इज इक्वल टू 1। तो यार लेफ्ट साइड देखो, ये जिंट है तो बेसिकली ये एक इंटीजर वैल्यू है, और ये भी है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो व्हाट डू वी हैव कि यहाँ से लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि 4 कॉमन निकल रहा है, 4 टाइम्स 2 टाइम्स एक इंटीजर प्लस अनदर इंटीजर इज इक्वल टू 1। गाइस ऐसा कभी पॉसिबल होगा कि 4 टाइम्स एक इंटीजर वैल्यू 1 दे रहा है? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंटीजर को तो वो हमेशा 4 से तो बड़ा ही होगा, राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर द केस व्हेन जेंट ऑफ साइन एक्स वॉज -1। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू केस 2, वेयर जेंट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था? 8 टाइम्स जेंट ऑफ x² - x + 4 टाइम्स जेंट x इज इक्वल टू 13। ये आ गया। गाइस सेम चीज़ जो पहले डिस्कस करी, लेफ्ट साइड पे 4 कॉमन है, 4 टाइम्स सम इंटीजर लेट्स से के इक्वल्स 13 पॉसिबल है? कभी भी नहीं, नो सॉल्यूशन। केस 3, जेंट साइन एक्स इज इक्वल टू 1।
लेफ्ट हैंड साइड मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 टाइम्स k इक्वल टू 13 प्लस 12 है ना, विच इज इक्वल टू 25। सेम लॉजिक पहले की तरह पॉसिबल है ये? कभी भी नहीं। तो हमने तीनों केसेस देख लिए, तीनों में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, तो उसका आंसर क्या हुआ? फॉर ऑल एक्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आंसर हो गया ए ऑप्शन 0। ठीक है गाइस, वी डन विद दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स माइनस जिंट एक्स एंड जिंट एक्स एंड एक्स आर इन जी पी, तो ये तीन टर्म्स जी पी बना रही है, देन फाइंड दिस वैल्यू। ओके सो गाइज, दिस इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसका आंसर 1 to 100 के बीच लाया करेगा। ओके तो टाइम दूंगा 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके ठीक, ओके गाइस टाइम्स अप। ऊप्स, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। हाँ ठीक है, जरूर करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज़, एक्स इज पॉजिटिव, सर्कल कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है एक्स पॉजिटिव होना। यहाँ पे नेगेटिव होता तो थोड़ी प्रॉब्लम आती, बहुत प्रॉब्लम आती है एक्चुअली। तो ये टर्म और ये टर्म जी पी में है, एक्स माइनस जिंट एक्स, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, देन वी हैव जिंट एक्स एंड देन वी हैव एक्स। लेट से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ जेंट ऑफ एक्स को के से, के इज एन इंटीजर एंड एक्स क्या होगा, के टाइम्स आर, और उसकी पिछली टर्म क्या होगी, के बाय आर, वेर आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जी पी है ना। तो अब क्या करें, यहाँ तक तो तुमने भी सोचा होगा ऑब्वियसली, अगर ये नहीं सोचोगे तो जी पी का तुमने यूज़ कैसे लिया कि जी पी है वो कैसे यूज़ किया है ना। तो इसके आगे क्या करें गाइस, अभी तक तुम देख रहे हो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वो पॉजिटिव है, जीपी में है और ये तीन टर्म्स हैं। हमने अभी तक क्या यूज़ कर लिया, हमने पॉजिटिव वाली चीज़ यूज़ कर ली क्योंकि हम बोल रहे हैं कि के आर आर पॉजिटिव है, ठीक है, और हमने ये यूज़ कर ली कि वो जीपी में है क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन, ये रिलेशन लिखा कि के बाय आर, के और के आर। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज़ें अभी तक हमने यूज़ नहीं करी, वी हैवेंट यूज्ड दिस प्रॉपर्टी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जेंट है और ये एक्स है। बेसिकली वी हैव एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें कैसे रिलेटेड है, एक्स के थ्रू, ये दोनों एक्स के ही फंक्शन है ना। तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ये यूज़ किए बिना हम कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ काफ़ी बच्चे लगे रहते हैं कि हम कर लेते हैं, जैसे हम, वो लोग क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे है ना, इसको कैसे लिखेंगे वो कि यार इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को, तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर है ना। तो हम वो लिख लेते हैं, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स टाइम्स एक्स
इज इक्वल टू जेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना, ये लिख लेते हैं और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। बट यार ये अप्रोच गलत है ना, तुम्हें समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वो यूज़ नहीं किया, मतलब इस अप्रोच में भी हम आगे जाके वो यूज़ कर सकते हैं चीज़ कि वो रिलेटेड है, बट अगर हम यहीं पे करें, हम लिखेंगे के बाय आर इज एक्स माइनस जेंट एक्स, ये पता है हमें, के इज जेंट एक्स ये पता है, के टाइम्स आर इज एक्स ये पता है। तो यार एक्स और जेंट एक्स को यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहे, वहां पे डाल दो, क्या मिला, के बाय आर इज के टाइम्स आर माइनस के कैंसिल हो जाएगा, बट ये लिखना पड़ेगा कि के ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब मेजर इशू क्या है, के शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हमें इक्वेशन से ये पता लगा है, बट ऑलरेडी गिवन है कि वो है, ठीक है। तो 1 by r = r - 1, तो r भी पॉजिटिव हो गया, है ना, जब k पॉजिटिव है तो r को होना पड़ेगा बिकॉज वो पूरा टर्म पॉजिटिव है, मतलब x इज पॉजिटिव k टाइम्स r, है ना, x इज पॉजिटिव k इज पॉजिटिव तो r भी पॉजिटिव है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, r से मल्टीप्लाई कर दो, r² - r, सिंपल क्वाड्रेटिक r² - r - 1। सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्टली इसका जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है उससे लिखेंगे 1 + - √(b² - 4ac) विच इज 1 - (x)-4 विच इज 5/2, है ना। तो इसके सॉल्यूशंस क्या आए, 1 + √(5/2). अभी ये दो सॉल्यूशंस आए हैं, बट वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, दैट आर इज ग्रेटर देन 0, है ना। सो इससे व्हाट हैपेंड, वेट अ मिनट, वेयर वर वी, राइट, यहाँ पे थे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो 1 - √(5/2) वाला है दैट इज लेस देन 0, तो वो हम हटा सकते हैं। तो ओनली सॉल्यूशन दैट वी गेट फॉर आर इज 1 + √(5/2), ठीक है, आर मिल गया, है ना। नाउ प्रॉब्लम क्या आएगी, के ढूंढना है ना, सबको लगेगा के कैसे ढूंढे। व्हाट कैन वी डू इज कि गिवन है कि जो एक्स है, जो मिडिल टर्म है दैट इज के, दैट इज एन इंटीजर, राइट, और हमें आर पता है, के बाय आर पता है, ओके। और अब देख रहे हो हमें वो फाइनली एक्स हमें जरूरत ही नहीं है, वी नीड समथिंग बिटवीन एक्स एंड जेंट ऑफ एक्स, समझ रहे हो। तो ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, 2 × x - √(x+1) पूरे का स्क्वायर, ये मांग रहे हैं, है ना, दिख रहा है क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, x - √(x) है, 2 × fractional part x + 1 पूरे का स्क्वायर, है ना, समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो जब x एक इंटीजर, जेंट ऑफ एक्स हमारा मिडिल टर्म है विच इज के, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है बेसिकली, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो क्या है, के बाय आर, है ना। तो व्हाट कैन वी डू नाउ, जो ये वैल्यू है इसका फ्रैक्शनल पार्ट इज बेसिकली द आंसर, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, 1 + √(5), √(5) क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 वैल्यू है बेसिकली, मान लो 2.1 बोलूँ मैं उसको, 2.1 + 1 3.1/2 1.6 अप्रॉक्स, तो इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + √(5/2 - 1, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट वैल्यू, है ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 2 + अच्छा नहीं सॉरी,
वन प्लस रूट फाइव माइनस टू, राइट, प्लस वन, ये जो बाहर प्लस वन था वो वाला प्लस वन पूरे का स्क्वायर, आंसर क्या मिला, ये कैंसिल हो गया, रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर, आंसर इज फाइव। ओके गाइस, वी डन विद दिस क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पे। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज दिस, टाइम गिवन 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस नहीं किए हैं, राइट? हाँ, तो यार वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं या उसके बाद। सो लेट्स जस्ट लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ही ग्राफ से विजुअलाइजेशन है। तुम्हें लाइक कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ अभी याद है क्या? नहीं ना, तुम सोच नहीं पा रहे हो ना। आई विल शेयर विद यू सम ट्रिक्स जिससे तुम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स मतलब विजुअलाइज कर पाओगे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है? तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आई जस्ट लीव दिस फॉर नाउ। तुम्हें ट्राई करना तुम कर सकते हो। ओके ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ए व्हेन ए बाय सेवन। गाइस, दिस इज एन इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, ठीक है? फाइंड द इंटीजर वैल्यू, टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाइस क्वेश्चन, ठीक है। ओके गाइस, 20 सेकेंड्स मोर। हिंट चाहिए क्या? थोड़ा अच्छा है, मतलब सोचो, चलो टाइम खत्म होने पे हिंट देता हूँ, 10 सेकेंड्स और दूंगा उसके बाद। ओके गाइस, टाइम इज ओवर नाउ, ठीक है? तो अभी यार मैं हिंट देता हूँ एक, ये दिख रहा है तुम्हें, रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर, दो बार दिख रहा है ना यहाँ पे सारा खेल, कुछ कर सकते हो उसके बारे में? सोचो थोड़ा, आया आइडिया, आया चमका ना। चलो डिस्कस करते हैं फिर, हमें दिख रहा है ये सेम वैल्यू दो बार है, क्यों ना मैं लिख लेता हूँ एक बार के लिए, टी इज इक्वल टू, टी नहीं लग रहा है, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है? तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, 3 माइनस t होल स्क्वायर्ड प्लस 1 प्लस t होल क्यूब। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट? तो यार ये अगर फंक्शन ऑफ टी है तो हमें मैक्सिमाइज करना है, सो इट डिपेंड्स ऑन टी, राइट? इसको हम सिंपली डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। एक तो यार अब देखो, जैसे मैंने कहा कि हम ग्राफ से विजुलाइज करना इजी है, अब यार यहाँ पे हम वो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मतलब मैंने एक बार की थी, मुझे याद है, मैं क्या कर रहा था, इसको खोल दिया था, ठीक है? ये क्यूब को मैं खोल रहा हूँ, टी क्यूब प्लस 3t ऐसे करके पूरा खोल दिया, इसको खोल दिया, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ उसका, ठीक है? गाइस, हमेशा हमें अपने इतना रिजिड नहीं रहना, ओके? हमें अपने जितने हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, जितने मेथड्स अवेलेबल हैं, हम जगह देख के उसके हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंशिएट करना इज अ वेरी मतलब लॉजिकल, कन्वीनियंट एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वन, ठीक है? तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करके चेक करना है कि इसकी वैल्यू टी की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम है, ओके? तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, -2, -2 टाइम्स 3 माइनस टी, है ना? राइट, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस t स्क्वायर्ड, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो इसको ओपन कर लेते हैं, -6 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6t इक्वल 0।
व्हाट डू वी हैव 3t² प्लस 8t माइनस 3 इज 0, राइट? हो रहा है 3t² प्लस 9t माइनस टी माइनस 3, 3t कॉमन, टी प्लस 3 माइनस 1, टी प्लस 3 इक्वल 0, क्या बन गया 3t माइनस 1 इंटू टी प्लस 3। टी जब 1/3 है और जब माइनस 3 है, इन दोनों वैल्यूज पे उसके एक्सट्रीम्स आ रहे हैं, ओके? तो गाइस, अब कौन से पे मैक्सिमम है, कौन से पे मिनिमम है? कोई बच्चा जो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्वेश्चन पे, वो देखेगा टू वैल्यूज आ रही हैं, बट जो हमारा टी था दैट इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है ना, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, तो टी ग्रेटर देन 0 है हमेशा, हमें पता है, तो इसका आंसर 1/3 लेके ही आ जाएगा, ओके? ऐसा पेपर में कभी कभी करना ठीक है जब तुम्हें लॉजिकली पता है कि सिर्फ इन दोनों में आंसर को यही लीड करेगा, इससे तुम आंसर पहुंच ही नहीं पाओगे, बट टू बी मेथोडिकल ये चेक कैसे करना है कि इनमें कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। गाइस, ये जो स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, अगर हम इसको प्लॉट करें, व्हाट डू वी हैव, माइनस 3 और 1/3, तो जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे जीरो है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, सोच पा रहे हो? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को स्लोप की तरह देखो, यहाँ पे तो वो फंक्शन है, माइनस थ्री से पहले वो बढ़ रहा था क्योंकि पॉजिटिव स्लोप था, वो बढ़ रहा था, फिर माइनस थ्री के बाद वो घट रहा था तो वो नेगेटिव होता, दिस इज कंकेव डाउन, और 1/3 पे उसका ऑपोजिट है ना, उल्टा है, तो समझ पा रहे हो? तो वहां से हमने सोचा था कि वो आंसर को लीड कर रहा है, लीड तो वही करेगा, ठीक है, देखते हैं वो, बट क्या मिल रहा है, 1/3 से मिनिमा एंड माइनस 3 से मैक्सिमा, इसको हम वैल्यूज को पुट करके भी देख सकते थे डायरेक्टली हेयर, ठीक है ना? कैसे, माइनस 3 पुट करोगे, ये क्या बना 6, 36 प्लस माइनस क्या था, माइनस 3 डाला ना, माइनस 2 दिस लाइक माइनस 8, तो ये 28 बनता है ना, कुछ गलत किया क्या हमने? नहीं, सही लग रहा है, देखते हैं क्या हुआ है, तो 28 आ रहा है, एक्चुअली मैक्सिमम तो वही आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना, वेट, ओके गाइस, अच्छा नाइस, फंस गया था मैं भी अभी। गाइस, वो जो मैंने लिखा कि टी इज इक्वल टू दिस एंड टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वो कहना यहाँ पे ठीक नहीं है कि ठीक है, सोचो एक बार, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। एक बार यार रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को प्लॉट करते हैं, एक्स ऑफ 0 पे वो 2 है वैल्यू, एक्स इंफिनिटी को जा ही नहीं सकता, माइनस 2 से 2 के बीच ही रहेगा हमेशा, व्हाट हैपेंड, ओ हाँ, माइनस 2 से 2 के बीच ही रहेगा हमेशा, एंड वहाँ पे 0 है, तो इट इज समथिंग लाइक दैट, और सिमेट्रिक है, तो देख रहे हो ये वैल्यू 0 से 2 ही जा रही है ना, तो जो हमारी वैल्यूज थी माइनस 3 एंड 1/3, वो दोनों ही नहीं अटेन कर पा रहा, 1/3 कर पा रहा है, तो हमें कौन से वैल्यू चेक करने हैं, 0, 1/3 और 2, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है ना। तो 0 पे क्या आ रहा है, लेट्स पुट 0, मतलब दिस होल एक्सप्रेशन के लिए रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए 0,
दिस गिव्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, दिस इज जस्ट 10, राइट। 1/3 में क्या आ रहा है, 3 माइनस 1/3 8/3, राइट। नहीं वो तो उसमें हो जाएगा, एंड 2 में क्या आ रहा है, 1 प्लस 3 का क्यूब 8 इज 9। यार कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि इन्होंने √4 − x² की वैल्यू -3 पुट करके 3 + 3 = 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का क्यूब -8 करके 28 करके ना इसका आंसर 4 दिया होगा, ठीक है। बट वो एक्चुअली गलत है, लेट मी जस्ट चेक इसका आंसर की। हाँ गाइज, इसका आंसर गिवन 4 है, बट टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। बट ऑब्वियसली तुम पेपर में सॉल्व करते हुए समझ जाओगे कि और कोई बेटर अवेलेबल आंसर इंटीजर टाइप है, हमें कोई और प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है। तुम मार्क ज़रूर करके आओगे 4, बट वी नो कि ये क्वेश्चन गलत है, सो लीव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 1 मिनट, इजी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड थोड़ा फंक्शंस, ठीक है, करो सॉल्व 1 मिनट। ओके, रिकॉर्डिंग इज ओके, राइट। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल। ठीक है यार गाइस, करें सॉल्व, 5 सेकंड बचे हैं। तो इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पूरे का, तो हम डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर देंगे तो भी मिल जाएगा, और मिनिमाइज ऐसे कि वो पॉजिटिव रहे, है ना, ऑब्वियसली। तो क्या दिख रहा है, 9 cos² थीटा। गाइस कन्वीनियंस के लिए ना मैं कॉस को सी लिख रहा हूँ, साइन को एस लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 cos² + 8 sin cos + 3 sin² तो यार ये साइन कॉस दिख रहा है मुझे, इसको सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो डायरेक्टली हम डबल एंगल फॉर्मूला लगा के 4 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यार बट इधर तो ये थीटा में रहेगी टर्म्स, है ना, क्या टर्म्स बचे, 9 cos² थीटा प्लस 3 times sin² थीटा। यार इनको अब उसमें कैसे करें, 2 थीटा में। बस cos² थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, cos² थीटा, cos² − sin², इसको हम लिख सकते थे 2 cos² − 1, है ना। कुछ आइडिया मिल रहा है, जो ये साइन स्क्वायर है इसको हम लिख लेते हैं 3 − 3 cos², क्या मिला, 6 cos² थीटा प्लस 3 + 4 sin 2 थीटा, इसको मिनिमाइज करना है ना। 6 cos² थीटा यहाँ से डाल दो, क्या मिला, 4 sin 2 थीटा, है ना। तो उसको 3 times कर देंगे, प्लस 3 cos 2 थीटा प्लस 3 + 3, है ना। एक ये वाला 3 आया और एक ये वाला, क्या मिला, 4 sin 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा प्लस 6। गाइस ए साइन प्लस बी कॉस बहुत इजी होता है, इसका मिनिमम क्या होता है, √a² + b² नेगेटिव के साथ, है ना। 16 + 9 क्या आया, -5 + 6 क्या आया, 1। इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 3 बाय, इस मिनिमम का वैल्यू क्या आया, 3/1 इज 3।
मैक्सिमम वैल्यू इज 3, आंसर है 3. ओके, डन विद दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ था, फिर से आ गया, माय बैड. ओके, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एज थीटा रेंजेस ओवर ऑल रियल नंबर्स. मजेदार क्वेश्चन लग रहा है. टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट मिल रहा है, करो. सॉरी गाइस, अब जो इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है ना ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन, वो इसी क्लास में हम 2 या 3 बार देख चुके हैं, ठीक है. तो यार अब तो वो ऑब्जर्वेशन ना दिमाग में लग जानी चाहिए, तुम्हारे दिख जाना चाहिए, सबको, हर एक बच्चे को दिखना चाहिए ये चीज़ क्या हो रहा है, राइट. करें सॉल्व. 10 सेकेंड्स लेफ्ट. हो गए, चलो यार करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं. क्या क्या ऑब्जर्वेशन बता रहा था? 2 sin + 3 cos, 2 sin + 3 cos, 2 बार आ रहा है. पुट t इक्वल्स 2 sin + 3 cos. क्या बोला? t+4 होल स्क्वेयर्ड टाइम्स 6 - t का क्यूब. टी कहाँ से कहाँ रेंज करेगा? 2 sin + 3 cos माइनस ऑफ रूट 2² + 3² विच इज 4 + 9 माइनस √13 से +√13, इसके बीच है टी की वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हेयर. ओके, तो अब क्या करें? डिफरेंशिएट कर लें मैक्सिमम निकालने के लिए. वही चीज़, ग्राफ बनाना इज ऑलवेज नॉट द आंसर. डिफरेंशिएट करना भी एक पॉसिबिलिटी है. जब हमें डिफरेंशिएट टूल पता है, हमें दिख रहा है कि उससे जल्दी सॉल्व होगा, सो विल यूज दैट, ठीक है. इसको करो डिफरेंशिएट. एंड इक्वेट टू 0 है ना. तो यार बहुत कुछ कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं. वो देख लेंगे कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 2 times 6 - t बचा फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से क्या बचा? t+4 है ना, और t इज नॉट इक्वल टू 6 एंड -4, क्योंकि वो हमने कैंसिल किया बोथ साइड से. मतलब नॉट इक्वल नहीं, बेसिकली वो एक सॉल्यूशन है, कि मतलब वो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है. नॉट इक्वल लिखना इज नॉट करेक्ट है ना. 6 और -4 इज अ वैलिड सॉल्यूशन, ठीक है. और जो ये बचा, इससे क्या मिल रहा है? 12 - 2t - 3t - 12. ओके, टी इक्वल 0 मिल रहा है यहाँ से. तो नाउ वी हैव दिस 3 वैल्यूज. अब इन तीनों में देख लो मैक्सिमम किसके लिए है, एंड वी शुड ऑल्सो चेक कि वो इस रेंज के अंदर है कि नहीं, है ना. तो यार 6 is greater than √13 ऑब्वियसली, तो 6 कैंसिल हो गया. -4 is less than √13, वो भी कैंसिल हो गया. ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज t=0, तो बस t 0 डालो, आंसर आ जाएगा. तो व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? 4² times 6³ है ना, 16 टाइम्स कितना होता है? 256 शायद, देख लो जो भी है. फाइन, ओके, यूनिट डिजिट्स में 6 आना चाहिए. ओके, यूनिट डिजिट 6 का है, ये रहा आंसर, इज ए ऑप्शन, ठीक है, हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेंज ऑफ दिस फंक्शन. गाइस रेंज का क्वेश्चन एक और आया, 1 मिनट दे रहा हूँ, करो, ट्राई करो.
20 seconds मोर। लास्ट 5 सेकेंड्स गाइस, अब देख रहे हो यार, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है फिर से वही चीज़, कितनी बार डिस्कस हो गया, 4 या 5 बार, मतलब 22 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 4 या 5 बार सेम आइडिया लग रहा है, तो उसको तो याद करना बनता है ना। तो अब मैं सजेस्ट करूँगा, जिनको ये वाला ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं चमका है, अभी तक दिखना नहीं स्टार्ट हुआ है, वो लोग इस आइडिया को याद कर लो, ठीक है? मतलब तुम लोग सुनते होगे कि मैथ्स इज नॉट अबाउट लर्निंग, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें याद करना ही होता है काफ़ी कुछ, मैथ्स में करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बट मेरा व्यू ऐसा नहीं है। वी शुड लर्न दी आइडियाज़, ठीक है? पहले तुम आइडिया की फील लो, उसे समझो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तुम्हें समझ आने लगेगा, तुम्हें वो हमेशा दिखने लगेगा। अगर वो नहीं दिख रहा है देन यू हैव टू लर्न दी आइडिया, ठीक है? तो यहाँ पे तुम इस आइडिया को लर्न कर लो कि जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम सा दिख रहा है ऑलवेज, और हमें उसका ग्राफ बनाना है, रेंज निकालनी है, तो हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, मतलब इजीली सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, हम इकट्ठे नहीं कर पा रहे विजुअलाइज, देन उसे सेपरेट करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जो न्यूमिनेटर है उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है? ये सेम आइडिया पहले भी था, पिछले रेंज के क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली सेम आइडिया था, ठीक है? गाइस, आइडियाज हमेशा रिपीट होंगे, ठीक है? क्वेश्चंस नए बनेंगे, आइडियाज इन जनरल रिपीट होंगे, ठीक है? पता है क्या है, तुम देखो कि जो भी बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, पेपर उन्हीं के हिसाब से बनाया जाएगा, राइट? तो जो पेपर बना रहे हैं वो एक भी पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन डाल सकते हैं, एक जिसमें नए टाइप का आइडिया लग रहा है, जिसमें कुछ चीज है जो आज तक डिस्कस नहीं हुई, जो आज तक पहले पूछी नहीं गई, जो बच्चों को पेपर में बैठ के सोचना पड़ेगा, एंड जो दूसरे टाइप के हैं वो है एक सेट ऑफ जनरल आइडियाज जिनसे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसको अप्लाई करना इन अ डिफरेंट मैनर और इन अ मोर एफिशिएंट और अ मोर डिफिकल्ट मैनर, है ना? तो यार जो नए आइडियाज वाला सेक्शन है उसके लिए तुम ज्यादा नहीं कर सकते कुछ, पेपर में बैठे हो, अगर आइडिया क्लिक किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है? वो क्वेश्चन बेयरली 5% लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? सिर्फ 5% लोग होंगे जो उसका आइडिया पेपर में बैठ के देख लेंगे, उन्हें दिख जाएगा वो आइडिया, बट हम एम करेंगे कि वो जो 5% है हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हमें हमें क्या फोकस रखना चाहिए कि जो यार जो बाकी क्वेश्चन है ना जिसमें जनरल आइडियाज लग रहे हैं इन अ बेटर फैशन, है ना, उस पर हमारा टारगेट होना चाहिए। हम गारंटीड वो 100% सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे तो वील अचीव वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स, ठीक है? तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, ये बन गया, ओके। अब इसका रेंज निकालना है यार, पहले का क्वेश्चन था, पहले मुझे याद है पहले 1/1+ ये था, देख रहे हो कितना सिमिलर है, एकदम सेम ही ऑलमोस्ट। तो यार गाइस, एक ही थोड़ा सा सॉल्विंग छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, डू इट, कोई डाउट आए तो डिस्कस करना मुझसे नेक्स्ट क्लास में, पूछ लेना मुझसे कोई डाउट, इसमें डाउट आए तो मुझे टेलीग्राम पे चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आई विल बी हैप्पी टू टेक योर डाउट रिगार्डिंग दिस वन। एक्चुअली यार ये सॉल्व किया ना सेम, इसीलिए लीव कर रहा हूँ मैं, कर लोगे तुम, ओके? आगे चलते हैं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है गाइस, करो सॉल्व, गिविंग यू 1 मिनट। ओके, गाइस 30 सेकेंड्स मोर।
गाइस लास्ट 10 सेकंड्स। ठीक है गाइस, हो गया टाइम, करें डिस्कस। तो यार इसमें वही लगेगा जो हमने पहले सोचा था, जो हमारा मेथड था कि क्या क्या दिख रहा है। लॉग दिख रहा है, लॉग का हमें करना है, और हमें 1/0 फॉर्म दिख रहा है, और तो कुछ नहीं है। लॉग के लिए क्या होगा, एक्स प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन 0, सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन -3। एंड 1/0 के लिए क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। सो व्हाट डू वी हैव, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये फैक्टराइज कैसे हो रहा है, एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2, राइट, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो -1 और -2 वैल्यूज रिजेक्ट करनी है, एंड हेयर शुड बी ग्रेटर देन -3, क्योंकि पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ये गलत है, ये गलत है, एंड ये गलत है। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लॉग दिस 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 दिस, सो व्हाट डू वी हैव टू डू, फाइंड द डोमेन। टाइम देता हूं 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसा क्वेश्चन एक पहले डिस्कस हुआ ना, सिमिलर थोड़ा आइडिया, लॉग लॉग था जिसमें, राइट और वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें बेस जो था हमारा वो एक बार 1 से छोटा भी था, राइट। गाइस 10 सेकंड्स मोर, लास्ट 10 सेकंड्स। हो गया गाइस, चलो करें सॉल्व। इसमें फिर से वही लगेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखो, ये लॉग के अंदर ये वैल्यू है, इसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर इस लॉग में ये वैल्यू है, हमें इंश्योर करना है ये पॉजिटिव हो, वैसे फिर ये पॉजिटिव हो। समझ रहे हो क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं एक एक करके, राइट। तो अब हम टर्न वाइज सॉल्व करेंगे, विल गो इनसाइड आउट, ठीक है। तो दिस वैल्यू 2x, नहीं यार इनसाइड आउट नहीं, विल गो द अदर वे, हाँ सॉरी, इट इज मोर लॉजिकल टू गो द अदर वे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, ओके। तो दिस वैल्यू में ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, log 5, और ये वैल्यू पूरी इज़ ग्रेटर देन 0, तो दिस होल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5 to the power 0, विच इज़ इक्वल टू 1, है ना। सो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, ओके। एंड नाउ तो जो वैल्यू है लिख लेते हैं, विच इज़ log 3 टू द बेस 3 मतलब, एंड log दिस एंड दिस होल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। बेस दिख रहा है यार सबको, ग्रेटर देन 1 है, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, सिंपली ओपन हो जाएगा ग्रेटर देन 3 पार 1, विच इज 3, ठीक है। अब फिर से दिस ब्रैकेट जो अंदर इनर मोस्ट वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 2 पार 3, फिर से बेस 1 से बड़ा है, इसलिए सोचने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें कोई, ठीक है। तो बस ये सॉल्व करना है, जो इनर ब्रैकेट है विच इज 2x³ प्लस 5x² -14x इज ग्रेटर देन 2³, विच इज 8। तो 2x³ प्लस 5x² -14x -8 शुड बी ग्रेटर देन 0। बस ये आ गया डोमेन, मतलब इसका सॉल्यूशन इज आर डोमेन, ठीक है। इसको इसका रूट आ रहा है कोई, दिख रहा है तुम्हें? गाइस इसका रूट मिल रहा है कोई?
आना तो चाहिए, लेट अस सी कोई मिल रहा है अगर प्रॉपर वैल्यू। कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, ग्रेटर देन 0 1 हो गया, फिर 5 आ गया। हाँ गाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, वो 5 था वो 3 नहीं था। ओके ओके थोड़ा सा गलत हो गया जल्दी जल्दी में, क्योंकि काफ़ी लॉग्स हैं, उतना तो चलता है। विल डू इट अगेन। ठीक है हो गया क्लियर। तो वो लॉग 5 वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0, लॉग 5 दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो लॉग 3 अच्छा सही था। ओके सही तो लिख रहा था पहले, दिस शुड बी ग्रेटर देन 3 और ये वैल्यू क्या है 2, तो 2x³। हाँ सही था यार, बिल्कुल सही था। वो इसकी रूट्स क्या हैं देख लेते हैं अगर है तो। ठीक है तो राइट साइड ये सही लिखा है। इसका रूट के रूट देख लेना क्या आ रहे हैं, तो दैट विल बी द आंसर। मेथड हमने डिस्कस कर लिया, वी शुड नो द अप्रोच, दैट्स इट। ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। ठीक है गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, तो होमवर्क की तरह करना चाहोगे? सारे आइडियाज डिस्कस हो चुके हैं, सब कुछ याद रखना क्या क्या बताया था मैंने, राइट? एक बार कंसोलिडेट कर दूं क्या क्या बताया था अभी तक। फंक्शन में हमने क्या सीखा है, ग्राफ्स, ग्राफ्स आर इक्विवेलेंट टू गॉड। ठीक है ठीक है, फंक्शंस के लिए ग्राफ्स आर इक्विवेलेंट टू गॉड। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आइडिया आ रहा क्या हो रहा है, तो ग्राफ जरूर बना के देखो उसका। ठीक है अगला था रिजिडनेस। ठीक है हमें हमारे जब हम और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। वी शुड नॉट बी स्टबन कि हम ग्राफ से ही करेंगे। ठीक है जहाँ पे दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंशिएट करके मिल रही है, वो कर लो, वो जल्दी होगा। ठीक है वी शुड सेव आर टाइम पेपर अटेम्प्ट करते हुए। टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है टाइम हमें बचाना है, टाइम हमें अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है एंड वन मोर थिंग, जैसे वहाँ पे एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में अभी पहले हमने देखा, वो जो a/7 वाला था जिसका आंसर 28 वो -3 वाला प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम थोड़ा टेक्निकली गलत है, बट हमने वहाँ पे क्या देखा कि इंटीजर टाइप वैल्यू क्वेश्चन है, a/7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ओनली पॉसिबल इज जब -3 है। तो हमने अपना आंसर ऑप्शंस मतलब इंटीजर्स के थ्रू, मतलब जो हमें पता है कि आंसर होगा, जो इन्फो हमारे पास है, उससे हमने बैक ट्रेस बैक किया। ठीक है ना, तो जैसे मतलब डाउन टू टॉप मान लो इसको, कि हम आंसर से अपने मतलब आइडियाज़ को सोच रहे हैं कि कैसे हमें करना है, कैसे सॉल्व होगा, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ठीक है वो हमें देखना ज़रूरी है। एंड ऑब्जर्वेशंस के मामले में लाइक जो जनरल मेथड्स थे, वो तुम्हें पता है कि जब ग्राफ बनाना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हमें सेपरेट करना है। ठीक है एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग एंड इनर फंक्शन एज टी, क्योंकि वो काफ़ी जगह पे रिपीट हो रहा है। ठीक है ऐसे आइडियाज़ जो डिस्कस हुए, तो दैट विल बी ऑल। सब कुछ डिस्कस हो गया है ना, सॉल्विंग हमने कर ली फंक्शंस पार्ट 1 की, इसके अंदर क्या क्या हुआ, एकदम बेसिक जो हमारे फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, उन सब पे हमने बेसिक सॉल्विंग की। ओके तो आई थिंक गाइस काफ़ी इंसाइट मिला, काफ़ी कोई सारे नए आइडिया सीखे। जो मैंने बातें बोली उनको याद रखना, पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। गाइस डू ज्वाइन माई टेलीग्राम लिंक फॉर मोर टिप्स लाइक दिस, लाइक
the ones I told, and you can also share your doubts on this channel. ठीक है guys, I'm Kshitij Bansal, and guys do use my plus FL code Kshitij for 10% off and for 15 minutes of personal guidance. ठीक है so once you use my code you can ping me on Telegram and I'll surely provide you with 15 minutes of personal guidance. Okay so guys that will be all. Next video mein, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के जो बाकी पार्ट बचा है विल डिस्कस दैट. क्या क्या बचा है? क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस कैसी होती है, मेनी टू वन, वन टू वन, है ना, वो टाइप्स का. एंड उसके बाद बाकी सब जो हमने चैप्टर फोर में देखा था, ऑड इवन, पीरियोडिक, इनवर्स, है ना. ठीक है सो गाइस दैट विल बी ऑल. मिलते हैं यार नेक्स्ट टाइम. ओके बाय बाय.